दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं टोटल दो शेयर्स के बारे में, टाटा पावर के बारे में और साथ ही साथ आईएक्स के बारे में, यानी कि इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के बारे में। आईएक्स के बोनस शेयर्स को लेकर काफी ज्यादा यहां पर क्वेश्चंस आ रहे हैं कि बोनस शेयर्स अभी तक इन्वेस्टर्स के डीमैट अकाउंट के अंदर क्रेडिट नहीं किए गए हैं, तो कैसे आपका यहां पर आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहां पर मिलने वाला है, किसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और क्यों ऐसे इश्यूज आपको फेस करने पड़ रहे हैं, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर डिटेल में जानने वाले हैं। साथ ही साथ पावर मिनिस्ट्री की तरफ से जो दिसंबर मंथ का जो डाटा रिलीज किया गया है फर्स्ट 10 डेज का, वो भी काफी चौंकाने वाला है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पावर कंजम्पशन का डाटा, जो यहां पर दिसंबर मंथ के फर्स्ट 10 डेज का निकल कर आ रहा है, काफी चौंकाने वाला है। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं इंडियाज पावर कंजम्पशन ग्रो बाय 1.3% इन द फर्स्ट 10 डेज ऑफ दिस मंथ फ्रॉम 1st to 10th December, 34.23 बिलियन यूनिट्स यहां पर रिकॉर्ड करी गई है। और लास्ट मंथ के कंपेरिजन में इस पावर कंजम्पशन के डाटा के अंदर ऑलमोस्ट हमें यहां पर 1.3% यानी कि 0.25% तक की शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी कंपेयर करें तो काफ़ी शानदार डाटा हमें ये रिलीज होते हुए देखने को मिल रहा है। और जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया कि पावर कंजम्पशंस के जो डाटा निकल कर आते हैं वो कहीं ना कहीं पावर सेक्टर कंपनियों को काफ़ी इम्पैक्ट करते हैं, तो यहाँ पर टाटा पावर के शेयर होल्डर्स के लिए आज के दिन ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आते हुए देखने को मिल रही है। अगर आप इसे लास्ट ईयर से भी कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं इन 2020 पावर कंजम्पशन वॉज 33.78 बिलियन यूनिट ड्यूरिंग 1st to 10th December, तो यहाँ पर 2020 के कंपैरिजन में 2021 में लगभग 1.3% तक की शानदार ग्रोथ हमें देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं टाटा पावर के शेयर होल्डर्स के लिए ये सबसे पॉजिटिव न्यूज़ है। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सिर्फ टाटा पावर के लिए ही क्यों, मार्केट में पावर सेक्टर कंपनियां काफ़ी ज़्यादा है। अडानी पावर की बात कर लें या फिर और पावर सेक्टर की कंपनियों की बात कर लें, तो टाटा पावर ही को हम यहाँ पर क्यों आपके लिए पिक कर रहे हैं। तो जिस प्रकार से पावर सेक्टर कंपनियों से रिलेटेड टाटा पावर के सीईओ का स्टेटमेंट हमें आते हुए देखने को मिला है, उस कारण से टाटा पावर काफ़ी ज़्यादा बुलिश देखा जा रहा है। और साथ ही साथ ये अपने इंडिया के बिजनेस मार्केटाइजेशंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश भी देखा जाता है। जिस प्रकार से यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस लगाई गई थी कि लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन आपको सेकेंड वेव में देखने को मिली है, और जिस प्रकार से ओमिक्रॉन के केसेस में देखने को मिले हैं, अगेन आपको जो पावर सेक्टर कंपनियों के अंदर जो गिरावट है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बल्कि ये जो डाटा निकल कर आया है ये तो बिल्कुल अपोजिट निकल कर आया है। इसी कारण आज के दिन आपको टाटा पावर की शेयर प्राइस के अंदर लगभग 1 से 0.25% तक की शानदार तेजी भी देखने को मिल चुकी है। वहीं जहां एक तरफ आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन टाटा पावर आज के दिन फर्स्ट सेशन से ही काफ़ी पॉजिटिव ट्रेड होते हुए हमें देखने को मिल चुका है। बात करें कि टाटा पावर के अंदर अब आपको क्या स्ट्रेटेजी लेकर चलना है, तो टाटा पावर के अगर आप पिछले 1 साल के चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो शेयर्स काफ़ी टाइम हमें 100 रुपीज़ से लेकर 120 रुपीज़, 130 रुपीज़ के बीच में काफ़ी टाइम एक कंसोलिडेशन फेज में ट्रेड होते हुए देखने को मिला है। लेकिन हमें जैसे ही इसका एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला, शेयर्स के अंदर लगभग 150% तक की ग्रोथ हमें देखने को मिल चुकी थी। तो इसी कारण मैं आपको कह रहा हूं कि यहां पर अगर आप देखेंगे तो शेयर्स काफ़ी टाइम से 200 से 230-235 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है, लेकिन जब भी आपको यहां से एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, ये शेयर्स आपको 100% 300 रुपीज़ के लेवल के अबव ही देखने को मिलने वाला है। बस आपको यहां पर पेशेंस रखना है और बाय ऑन डिप करते जाना है। अब बात करें कि टाटा पावर ही क्यों, क्योंकि 73,000 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी, जिसके जो क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें हमें शानदार ग्रोथ देखने को मिल रही है, और कंपनी एक काफ़ी अच्छा डिविडेंड पे आउट रेशियो भी मेंटेन करते हुए चल रही है। और उससे बड़ी बात यह है कि कंपनी के ऊपर बोरोइंग्स है, लेकिन साथ ही साथ कंपनी के ऊपर एक हेल्दी रिजर्व भी है, जिस कारण से
कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को काफी ज्यादा बेनिफिट फ्यूचर में बनाकर दे सकती है। और अगली इंटरेस्टिंग फैक्ट की अगर बात करें तो वो है फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का डाटा। जी हाँ दोस्तों, डोमेस्टिक इन्वेस्टर जहां सितंबर क्वार्टर में हमें ऑलमोस्ट 3% से स्टेक इंक्रीज करते हुए देखने को मिल रहे हैं, वहीं फॉरेन इन्वेस्टर्स ने भी अभी तक लगभग 11% का स्टेक टाटा पावर के अंदर कवर कर रखा है। जब फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर इस शेयर्स के अंदर इतने ज्यादा बुलिश हैं, तो यहां पर आप क्यों इस शेयर के अंदर पोजीशंस को स्क्योर ऑफ करने का सोच रहे हैं? टाटा पावर लॉन्ग टर्म का शेयर से ईवी के आने के बाद में सबसे ज्यादा बेनिफिट इस कंपनी को भी मिलने वाला है, तो यहां पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करके रख सकते हैं। और अगर आप यहां पर खरीदारी करना चाहते हैं तो बाय ऑन डिप करते हुए चल सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं अनदर शेयर्स के बारे में जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड यानी कि IEX, जहां पर आज के दिन हमें इस शेयर्स के अंदर 3.5% तक की गिरावट देखने को मिल रही है। इस गिरावट के पीछे कोई ऐसी इंटरनल न्यूज निकल कर नहीं आई है, लेकिन हाँ अगर आपने भी IEX के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो 235 रुपये के सपोर्ट लेवल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर आप अपनी रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। IEX के बोनस शेयर से रिलेटेड क्या अपडेट्स है उसके पहले मैं यहां पर एक और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको बताना चाहता हूं। IEX की तरफ से आज के दिन एक बड़ी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट निकल कर आ रही है, लेकिन उसके पहले आज के अगर IEX के वॉल्यूम बेस काम की तरफ नजर मारें तो आज के दिन भी हमें लगभग 28% क्वांटिटी डिलीवरेबल बेस पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रही है, यानी कि काफी अच्छा माल अभी भी IEX के अंदर कंटिन्यूसली उठाया जा रहा है। ऑर्डर बुक में भी आप देख सकते हैं काफी शानदार फ्रेश बाइंग है। बात करें कि क्या बड़ी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट है तो आप देख सकते हैं आज के दिन हमें IEX की तरफ से इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल होते हुए की अपडेट्स देखने को मिल रही है, और ये एक नहीं बल्कि टोटल 4 इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल यहां पर IEX हेल्ड करने वाला है, जिसमें मार्केट के दिग्गज ब्रोकरेज फर्म्स की साथ में यहां पर IEX की यह इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस कॉल होने वाली है। और इसके जो भी आउटकम्स निकल कर आएंगे वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से अपडेट कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर रखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कंपनी फंडामेंटली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। 25,000 करोड़ रुपीज के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो एज कंपेयर टू टाटा पावर IEX की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है। कंपनी कंटिन्यूसली अपने डेब्ट को रिड्यूस कर रही है, या यूं कहूं कि कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेब्ट फ्री देखने को मिलती है। सिर्फ 11 करोड़ रुपीज का कंपनी के ऊपर डेब्ट है। कंपनी गुड क्वार्टर रिजल्ट मेंटेन करते हुए आ रही है। इसका रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज भी लास्ट 3 ईयर से 46% के अबव हमें देखने को मिल रहा है, और जैसा कि आपको पता है कि 30% से अबव ROE अगर रहता है तो डेफिनेटली वो काफी शानदार है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट रेशियो भी काफी शानदार हमें देखने को मिल रहा है, और लास्ट 10 ईयर्स में जो सेल्स की ग्रोथ है वो भी काफी शानदार देखी जा रही है। बात करें IEX के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न के बारे में तो IEX के अगर शेयर होल्डिंग्स पैटर्न को भी देखेंगे तो यहां पर भी आपको फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर का स्टेक काफी ज्यादा देखने को मिलता है। अब बात करें कि बोनस शेयर्स अगर आपके डीमेट अकाउंट में अभी तक क्रेडिट नहीं किए गए हैं तो आप कैसे यहां पर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहली चीज, ये सबसे ज्यादा इश्यूज जीरोदा के डीमेट अकाउंट के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो यदि आप जीरोदा का डीमेट अकाउंट यूज करते हैं और किसी अनदर डीमेट अकाउंट को यूज करना चाहते हैं तो इंडिया की बेस्ट ब्रोकरेज फर्म अपस्टॉक्स के अंदर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि जीरोदा के अंदर ऑलरेडी आप अपना डीमेट अकाउंट यहां पर कैरी ऑन कर रहे हैं यानी कि यूज कर रहे हैं तो कैसे आप यहां पर प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपने एक्स डेट तक IEX के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, यानी कि तब तक आपने अपनी पोजीशंस को स्क्योर ऑफ नहीं किया हो। उसके बाद अगर आप उसके लिए भी एलिजिबल हैं और अभी तक आपके डीमेट अकाउंट के अंदर शेयर्स क्रेडिट नहीं किए गए हैं और अभी भी आपको लॉस दिखा रहा है, ऑलमोस्ट 50% 60% इन्वेस्टर के डीमेट अकाउंट के अंदर लॉस दिखा रहा है, तो आप इनके रजिस्टर्ड ऑफिस, ये रजिस्टर्ड ऑफिस और कॉरपोरेट ऑफिस IEX का है, इन पर आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर इनकी जो मेल ID यहाँ पर प्रोवाइड करी गई है उसका यूज करते हुए आप इनको ग्रीवेंस रेस कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली अगर आपको जीरोदा में ही इशू आ रहे हैं तो आप डायरेक्ट जीरोदा के हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 8:30 to 5 PM आपको यहां पर हेल्पलाइन प्रोवाइड करी गई है, तो आप यहां पर डायरेक्ट इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने ब्रोकर से यहां पर पूछ सकते हैं कि हम एलिजिबल थे। जो भी आपकी क्यूरीज है वो आप इनके सामने रख सकते हैं। तो यहां पर डेफिनेटली आपके डीमेट अकाउंट के अंदर जो शेयर्स हैं वो क्रेडिट कर दिए जाएंगे अगर आप एलिजिबल होंगे तो, और कोई इश्यूज आपको यहां पर फेस नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। ये दोनों ही फ्यूचर के मल्टीबैगर स्टॉक्स हैं, यहां पर आप अपने इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते हुए चल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।